होंडा की 2023 मॉडल न्यू सीडी 70 बाइक। इस बाइक में कुछ खामियां हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये बाइक ख़रीदने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को लाजमी देख लीजिए। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी ये सब कुछ बता सकूं। जब शुरू शुरू में मैंने ये बाइक ली तो ये स्टार्ट होने में बहुत मसला करती थी। इस बाइक को अभी तक एक महीना ही हुआ है शोरूम से निकले हुए, तो ये स्टार्ट नहीं होती थी, चौक उठा के स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ये स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट किक पर। अब पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम था जो खुद ही सॉल्व हो गया है। तो अगर आप होंडा 70 को पहले से चलाते हैं तो आपको पता होगा कि पहले ये जो इसका मड़गार्ड है ये बहुत मोटा हुआ करता था, ये यहाँ से जंग हो जाता था, लेकिन फिर भी ये टूटता नहीं था, बहुत मोटा होता था। लेकिन अब अगर आप इसको देखें तो ये बहुत पतला है। और इस तारों से भी ज़्यादा पतला है ये मड़गार्ड और पिछला मड़गार्ड दोनों। ये एक मेन प्रॉब्लम इसकी ये भी है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले गाड़ी वज़नी होती थी अब उस तरह गाड़ी ये वज़नी नहीं है, ये बहुत बारीक है। ये है इसका मीटर। मीटर के हवाले से ये बताऊँगा कि ये जो मीटर है ना, मैं आपको फिर से फोकस करके दिखाऊँ, ये चमक वाला नहीं है। जिस तरह यूनिक के अंदर आता है और चाइना की 70 में आता है, वैसे चमक वाला नहीं है। और ये लाइट भी यहाँ से चमक वाली नहीं है, जैसे ये है ना, शायद फाइबर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो ये किस तरह चमक वाला है, लेकिन ये जो है ना चमक वाला नहीं है, वैसे खुरखुरापन है इसके अंदर। तो 1,60,000 से ऊपर की ये बाइक हो गई है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें कम होती जा रही हैं, और ये इसकी हैंडल और मीटर वगैरह की चमक भी ख़त्म हो गई है। लेकिन इस बाइक की कीमतें जो है ना वो आसमान को छूती जा रही हैं भाई साहब। एक लाख साठ हज़ार से ऊपर की गाड़ी है, और इसकी आप ये किक देखें, ये इसकी किक इस डिज़ाइन के अंदर दी हुई है। हालांकि जो यूनिक वगैरह गाड़ी है उनकी किकें जो है ना वो 1:5 वाले स्टाइल में होती है, छोटी होती है लेकिन 1:5 के स्टाइल में होती है, और इसकी किक इस स्टाइल में दी हुई है, जो कि बहुत ही मतलब मज़ा नहीं कर रही यार, बेकार लग रही है बिल्कुल ही, तो अच्छा नहीं लग रहा ये चीज़। और दूसरी बात, साइलेंसर वगैरह इसका ठीक है, कुछ अगर डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाता लेकिन वो पुराना वाला है। मटेरियल इसका भी बिल्कुल लो क्वालिटी। अगर आप गाड़ी लें तो ज़रूर यार हर चीज़ चेक करें, ठीक है। ये जो इसका गियर लीवर है ना, बहुत ही लो क्वालिटी का लगा हुआ है, इसके अंदर जो है ना कोई चमक नहीं। हालाँकि जो दूसरी 70 की होती है यूनिक वगैरह या दूसरी, तो उसमें बहुत चमक होती है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल लो मटेरियल है। दूसरी बात, इसकी ये स्टैंड है, दूसरी गाड़ियों के अंदर 70 की गाड़ियों के अंदर जो है ना स्टैंड अगर ऊपर ना हो तो वो बीप का हारन एक देता है, यहाँ पर छोटा सा हारन होता है, तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। अगर स्टैंड नीचे है तो ये हारन कुछ नहीं देता, इसको ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। अब 1,60,000 रुपये की गाड़ी है, और इसके अंदर जो है ना वो सलव स्टार्ट नहीं दिया हुआ। 1,60,000 रुपये की 70 गाड़ी हो गई, इसके अंदर कम से कम सलव स्टार्ट तो इन लोगों को देना चाहिए था, लेकिन सलव स्टार्ट इन्होंने नहीं दिया। इनकी मर्ज़ी है भाई, होंडा है, होंडा का तो अपना नाम है ना, क्या कर सकते हैं। वैसे तो गाड़ी ये बहुत अच्छी है चलने में, इसका पिकअप वगैरह अच्छा है, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न साइड घूमने के लिए जा रहे हैं, सवात, स्कर्दू, मिंगोड़ा, इस तरफ दूर दूर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप चाइना की 70 लें, कोई भी चाइना की 70 लें, उसका पिकअप जो है ना वो चढ़ाई के ऊपर इतना जल्दी नहीं थकती जितना कि ये थक जाती है, ऐसा बहुत सारे बाइकर्स का कहना है। तो आपको जैसे समझ में आए आप करें। और बाइक का मैंने रिव्यू कर दिया है, 1,60,000 से अब इसके ऊपर प्राइस हो चुकी है। मैंने ली थी 1,58,000 रुपये की, मैंने नहीं ली, भाई ने ली है, बहरहाल ठीक है। एक छोटी सी चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि ये जो शॉपर है ना, ये यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सिली हुई है, इसको कुछ कहते हैं याद नहीं आ रहा, सिली हुई है, तो आप इसको उतार सकते हैं अगर आपको उतारना हो, और अगर चढ़ाना हो तो चढ़ा सकते हैं, ये कवर की तरह हो जाता है, तो ये भी ठीक है। गाड़ी के इंडिकेटर यहाँ पर लगे हुए हैं ब्रेक लाइट के बिल्कुल साथ, हालांकि पहले यहाँ पर लगे आते थे या आम गाड़ियों के यूनिक वगैरह के यहाँ आते थे, लेकिन हो सकता है इसके यहीं आते हों, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके यहाँ लगे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ये भी बिल्कुल लो क्वालिटी है भाई साहब, बहुत लो क्वालिटी, बिल्कुल पतला सा है, गाड़ी का वज़न भी नहीं है सही वाला, तो ठीक है। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, साउंड चेक कर लो भाई लोग,
160,000 रुपये की अगर ये गाड़ी लेनी हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप या तो यूनिक वाली गाड़ी ले लो चाइना की, या फिर आप होंडा की 125 लो, 70 बिल्कुल मत लो, अब कुछ नहीं रहा इसमें।